नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वंदे मातरम योजना अंतर्गत विदेश में फंसे हुए लोगों को इंडिया वापस लाने में श्री आशीष ब्रह्मभट्ट, जो स्कॉटलैंड में बीजेपी इंचार्ज है, उनके द्वारा प्रयास किया गया। कैसे उनको सहायता दी गई वो सुनते हैं उन्हीं से। हाय, मारू नाम कृष्णा ब्रह्मभट्ट छे। हुं अहीं लॉ भणी रही छुं लंडन थी। हुं छेल्ला बे महीनाथी कोरोनाना लीधे अहीं अटकायेली हती, बट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर अवर बिलवड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेन्द्र मोदी एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स फॉर केरिंग आउट दिस मिशन ऑफ वंदे भारत मिशन, जेनाथी अमारा जेवा स्टेन्डर्ड टूरिस्ट एंड स्टूडेंट्स जे अहीं रही गया छे एमने बेक टू इंडिया लई जवा माटे। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर मिस्टर आशीष ब्रह्मभट्ट, प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इन स्कॉटलैंड। Any constant guidance and support in that he has helped us out, and most importantly, I'm really grateful and thankful to Air India for taking us out of this country in time of need. हाई एवरीवन, माई नेम इज़ डिंकी और मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं लंदन में रह रही हूँ। मैं यहाँ पे मास्टर्स करने आई थी पिछले 2 महीने से। आई हैव बीन ट्राइंग रियली हार्ड टू गो बैक टू इंडिया टू माई फैमिली। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर बिलवड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवैक्यूएशन प्रोसेस एंड फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर आशीष ब्रह्मभट्ट ऑल्सो फ्रॉ ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इन स्कॉटलैंड। ही हैज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ मी सिंस द पास्ट 2 मंथ्स। उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन में काफ़ी हेल्प किया है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम ऑल्सो। एंड टू एड अप, आई एम वेरी थैंकफुल टू एयर इंडिया कि उन्होंने ये रिस्की प्रोसीजर कंडक्ट किया एंड ही हैज़ दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ अस कि हम सेफली सिक्योरली अपने घर पहुँच सके। सो थैंक यू। मैं एक फेलोशिप करने के लिए यहाँ पे आया था। यहाँ पे आने के 3-4 दिन के अंदर ही हमारे इंस्टीट्यूट ने कोरोना आउटब्रेक की वजह से हमारा फेलोशिप कैंसिल कर दिया और हमें इंडिया रिटर्न जाने के लिए बोल दिया था। लेकिन उससे पहले 18 मार्च से ही भारतीय गवर्नमेंट ने हमारे सभी फ्लाइट्स को रिटर्न आने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि हमारे देश को कोरोना से बचाया जाए। इसी दरमियान मैं बहुत तकलीफ में था, तभी इंचार्ज ऑफ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी स्कॉटलैंड श्रीमान आशीष भाई ब्रह्मभट्ट के संपर्क में मैं आया। उन्होंने मेरे रहने का, खाने पीने का और हेल्थ रिलेटेड सभी चीज़ों का इन 2 महीनों में बहुत ख्याल रखा है। मेरे जैसे कई सारे मित्रों को उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प किया है। उन्होंने हमारा एम्बेसी से संपर्क करवा के इवैक्यूएशन फ्लाइट्स में भी हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी घर जा सके उसके लिए भी हमारी बहुत मदद की है। और फाइनली, जैसे आप लोग देख रहे हैं, 7 मई से हमारे पीएम श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मिशन वंदे मातरम स्टार्ट किया है और उसकी मदद से पूरे दुनिया के सभी जगहों से हमारे बहुत सारे फंसे हुए भारतीय इंडिया रिटर्न आ रहे हैं। मेरा भी शॉर्टलिस्टिंग हो गया है और होप सो हम भी जल्दी से इंडिया वापस आ जाएंगे। थैंक यू। आई स्पेशल थैंक्स टू अवर एयरलाइंस एयर इंडिया, जो लोग दिन रात अपनी हेल्थ की और सभी चीज़ों की परवाह किए बिना हमारे सभी भारतीयों को पूरी दुनिया से वापस लाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। थैंक यू। हाय, माय नेम इज चितग्न शाह एंड आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। फॉर द लास्ट 8 मंथ्स आई हैव बीन स्टडीइंग इन डर्ली एंड फॉर द पास्ट 2 मंथ्स आई हैव बीन स्टक इन द यूके बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। बट आई वांट टू थैंक आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द इंडियन गवर्नमेंट फॉर कैरिंग आउट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इवैक्यूएशन ऑपरेशन। आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक मिस्टर आशीष ब्रह्मभट्ट, द प्रेजिडेंट इन चार्ज ऑफ द बीजेपी in Scotland. He has helped me understand the process and what steps I need to take to get back home safely. And finally, I want to thank Air India for transporting all the Indian citizens back home safely. Thank you.